हाय गाइस, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कराए हैं डिटेल कंपैरिजन बिटवीन, एक तरफ है हुंडई एसपी 125 और एक तरफ है हुंडई की लेटेस्ट लॉन्च बाइक हुंडई एसपी 160। तो दोनों ही बाइकों में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कंपैरिजन का मेन मकसद यह है कि आपको जो 160 मिलती है, जो इसका लुक है एसपी 125 की तरह मिलता है, जिसका फ्रंट लुक है सेम वही मिलता है, और भी क्या क्या आपको सेम मिलता है इस वीडियो में हम डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में दोनों ही बाइकों में से किसी एक बाइक को लेने वाले हैं, एसपी 125 लेने वाले हैं या एसपी 160 लेने वाले हैं, तो कंफ्यूज है कि कौन सी बाइक लें, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक दोनों बाइक में आपको क्या क्या सेम फीचर मिलता है, क्या क्या डिफरेंट मिलता है, डिटेल में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर एक बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करें दोनों बाइकों के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। सबसे पहले बात करेंगे एसपी 125 के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो लुक आपको मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और वाइजर जो आपको मिलती है इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है। और हेडलाइट की तरफ आएँ तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, एलईडी हेडलाइट का सेटअप दिया गया है, इस तरह से आपको मिल जाती है। और टर्न इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इसमें इंडिकेटर दिया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एसपी 160 के फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका भी जो लुक है कुछ इस तरह से निकल के आता है, सेम वही लुक आपको मिलती है जैसा कि एसपी 125 का फ्रंट लुक दिया गया है। हेडलाइट का सेटअप मिलता है एसपी 160 में ही मिलता है, थोड़ा सा इसमें आपको बोल्ड इसकी डिज़ाइन देखने मिल जाती है, बड़ी से आपको देखने मिलती है। यहाँ पे एलईडी की बैजिंग रहती है, जैसा कि एसपी 125 में भी एलईडी का बैजिंग दिया गया है, और इस तरह से आपको वाइजर मिलती है, होंडा की बैजिंग मिली है, और इसमें भी आपको टर्न इंडिकेटर आपको जो मिलता है 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है। तो दोनों में आपको जो फ्रंट लुक मिलती है सेम मिलता है, इसमें आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलता है। थोड़ा सा एसपी 160 का जो लुक है थोड़ा सा इसमें आपको बोल्ड मिल जाती है। चलिए बात करते हैं दोनों बाइकों के सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है एसपी 125 में भी, और एसपी 160 में भी देखेंगे तो इसमें आपको जो सस्पेंशन मिलती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें भी दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका फ्रंट फेंडर थोड़ा सा आपको वाइडर मिल जाता है, फायर बॉडी का मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको इसकी फ्रंट फेंडर आपको मिल जाती है, ये भी फायर बॉडी का लगा मिलता है। चलिए बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एसपी 125 के ब्रेकिंग के बारे में। तो जैसा कि यह बाइक ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट में आती है, जो अपने पास है डिस्क वेरिएंट है, इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको लगी मिलती है। और यहीं पे बात करें इसके व्हील साइज़ के बारे में, तो इसका जो व्हील साइज़ आपको मिलता है 18 inches का व्हील साइज़ मिल जाती है, और 18x118 inches का आपको ट्यूबलेस टायर्स में लगी मिलती है, और एलॉय व्हील का पैटर्न कुछ इस डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाती है, और ग्रिपिंग आप देख पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं एसपी 160 के ब्रेकिंग के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसा कि एसपी 160 आती है सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 276 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, और एबीएस का आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती है, इस तरह से आपको एलॉय व्हील का आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो एलॉय व्हील का पैटर्न आपको मिलता है कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है। और व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज लगी मिलती है इसमें भी आपको देखेंगे तो इसमें आपको जो व्हील साइज मिलती है 17 inches का व्हील साइज दिया गया है, 18x100 17 inches का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है, तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। चलिए बात करें दोनों बाइकों के साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एसपी 160 के साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसपी 160 का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल जाती है, इसका जो फ्यूल टैंक डिजाइन आपको मिलता है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, इस तरह से दिया हुआ है, इसमें टैंक कॉल आपको मिलती है, थोड़ा सा इसमें आपको बोल्ड आपको इसका टैंक डिजाइन आपको देखने मिल जाती है, यहाँ पर होंडा की बैजिंग रहती है, और अच्छा खासा इसमें ग्राफिक्स दिया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने। चलिए बात करते हैं एसपी 125 के साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसपी 125 का जो साइड प्रोफाइल है, राइट साइड प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल जाती है, इसका भी टैंक कॉल जो आपको मिलता है कुछ उसी शेप में आपको मिलता है, थोड़ा सा उससे शॉर्ट मिलता है, इस तरह से आपको इसमें टैंक डिज़ाइन आपको मिल जाती है। एसपी 160 में आपको थोड़ा सा बोल्ड डिज़ाइन देखने मिलता है, जबकि आप यहाँ पर थोड़ा सा शार्प इसमें दिया गया है, और यहाँ पर होंडा की बैजिंग मिल जाती है, और ए पैनल जो आपको मिलता है यहाँ पर एसपी 125 मिलती है, जबकि एसपी 160 में ये नहीं दिया गया है, और इस तरह से आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एसपी 160 में देखेंगे तो आप यहाँ पर एसपी की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती है जो कि 3D में दिया गया है, जबकि आपको एसपी 125 में जो बैजिंग मिलती है स्टिकर में दिया गया है एसपी 125 इस तरह से लिखा हुआ है। गाइस, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 160cc बाइक है और एक 125cc की है, तो इंजन आपको इसमें डिफरेंट देखने मिल जाता है, पावर भी आपको डिफरेंट मिल जाएगी। चलिए गाइस, अब बात करें दोनों बाइकों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप एसपी 160 का जो फ्यूल टैंक मिलता है इसमें 12 लीटर का दिया गया है, E20 का आपको फीचर्स मिलती है, OBD2 सेंसर इस बाइक में भी मिल जाती है, जबकि आप यहाँ देखेंगे एसपी 160 में भी तो आपको इसका टैंक डिजाइन कुछ इस तरह मिलती है, 11.2 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है, और E20
की आपको बैच मिलती है, इसमें भी आपको OBD2 सेंसर इस बाइक में लगी मिलती है। और अब चलिए बात करते हैं स्विचिंग क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे SP160 का स्विचिंग क्वालिटी मिलती है, कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम हॉर्न का स्विच दिया गया है और यहाँ पर इंजन के स्विच, हेजा लाइट का स्विच और आप यहाँ पे पावर स्टार्ट का स्विच दिया गया है। तो इसकी जो स्विचिंग क्वालिटी है आपको इस तरह से मिल जाती है। ऊपर आपको पासिंग लाइट मिलता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड जो स्विच मिलता है, इंटीग्रेटेड इंजन स्टार्ट स्टार्ट का इसमें स्विच दिया गया है। इसमें आपको हेजा लाइट का फंक्शन देखने को नहीं मिलता है SP125 में, जबकि आपको SP160 में हेजा लाइट का फीचर्स इसमें दिया गया है। तो एक चीज़ आपको इसमें एडवांस मिलती है, जैसा कि ये एडवांस बाइक है तो इसमें आपको हजार लाइट का फंक्शन मिल रहा है। चलिए बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको इसमें मिल जाती है। तो काफ़ी क्लियर आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाती है। जो SP125 में भी देखेंगे तो इसमें भी आपको जो मीटर कंसोल मिलती है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया, जो कि इस टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ओवरऑल बात करें तो दोनों में आपको जो मीटर कंसोल मिलती है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है। चलिए गाइस अब बात करते हैं दोनों के सेटिंग कंफर्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे SP160 के सीट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट मिलती है, कुछ इस तरीके का इसमें सीट दिया गया है। 796 mm का आपको इसमें सीट हाइट मिल जाती है। इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसमें सीट दिया गया है, वेल कुशन आपको सीट मिलती है। वहीं बात करेंगे SP125 के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इसमें भी सीट मिलती है, 790 mm का आपको इसमें सीट हाइट मिल जाती है। तो सिंगल सीट इसमें मिलती है। थोड़ा से आप यहाँ देखेंगे तो स्पोर्टी लुक में आपको इसका डिज़ाइन मिल जाता है, जो सीट दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो सिटिंग कंफर्ट दोनों बाइकों में आपको अच्छी खासी होंडा ने ऑफर किया हुआ है। अब बात करें इसके साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पर 160 की बैजिंग जाती है। इसके साइड में तो इस तरह से ग्राफिक मिल जाती है। और प्लेन ग्रैप्स आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो प्लेन ग्रैप्स मिलती है, कुछ इस तरीके का इसमें प्लेन ग्रैप्स दिया गया है। जो बॉडी कलर मिलती है इसमें भी आपको इस तरह से प्लेन ग्रैप्स आपको मिल जाती है होंडा SP125 में भी। और टेल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको जो टेल लाइट मिलती है, बल्ब वाले टेल लाइट आपको इसमें लगी मिलती है होंडा SP125 में। 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर दिया गया है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे SP160 में तो इसका जो टेल प्रोफाइल है कुछ इस तरह से मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। यहाँ पर जो टेल लाइट आपको मिलती है, LED का टेल लाइट इसमें दिया गया है। और टर्न इंडिकेटर आपको सेम वही मिलता है जैसा कि आपको SP125 में दिया गया है। तो टेल प्रोफाइल कुछ इस तरह से मिल जाती है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको SP160 का टेल प्रोफाइल अच्छा लगता है या SP125 का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो एग्जास्ट लग मिलती है, कुछ इस तरीके का आपको एग्जास्ट लग मिलती है। इस पर क्रोम फिनिशिंग आपके यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे SP125 में भी तो आपको इस क्रोम फिनिशिंग के साथ इसमें भी एग्जास्ट मफलर दिया गया है। इसका जो एग्जास्ट आपको मिलता है शॉर्ट आपको मिलता है, जैसा कि इसका बोल्ड डिजाइनिंग है, 160cc बाइक है तो उसी हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंग वाले इसमें सस्पेंशन लगी मिलती है। और SP160 में आपको जो सस्पेंशन मिलती है, मोनो क्रॉस सस्पेंशन इसमें दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको मिल जाता है। और रियर टायर से कंपेयर करें तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो SP160 का जो टायर आपको मिलता है, रियर काफ़ी वाइडर टायर इसमें दिया गया है। और रियर में आपको जो व्हील साइज मिलती है, 17 इंचेस का व्हील साइज दिया गया है। और जो टायर लग मिलता है 130x70 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर इसमें लग मिलती है, काफ़ी वाइडर टायर इसमें दिया गया है। और SP125 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो टायर लग मिलती है, इसमें आपको 18 इंचेस का व्हील साइज मिल जाती है। और टायर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको जो टायर लग मिलती है, 100x80 18 इंचेस का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। और इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है, 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है SP125 में। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे SP160 में भी तो आपको, जैसा कि यह सिंगल डिस्क वेरियंट है, तो यहाँ पे भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको इसमें भी मिल जाता है SP160 में भी, जैसा कि यह बाइक सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल डिस्क मॉडल है तो इसमें आपको जो रियर ब्रेकिंग मिलती है, 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट दिया गया है। तो गाइस इसमें मैं इंजन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको 160cc का इंजन मिलता है, इसमें 125cc का आपको इंजन मिल जाता है। तो पावर आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपको इंजन गार्ड लगी मिलती है, इसमें मेटलिक का दिया गया है, जबकि आपको SP125 में आपको कोई इसमें इंजन गार्ड कंपनी ऑफर नहीं करती है। साइड स्टैंड इंडिकेटर का आपको फीचर्स मिलता है, इसमें भी आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर का आपको फीचर्स मिल जाता है SP160 में। इस तरह से आपको इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का SSS लगी मिलती है SP160 में, और SP125 में भी कुछ इस तरह से आपको SSS लगी मिलती है। गाइस अब बात करें दोनों बाइकों में आपको कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो सबसे पहले बात करेंगे SP160 में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 177 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जबकि आपको होंडा SP125 में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 160 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अब बात करें दोनों बाइकों के प्राइसिंग के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे होंडा SP125 के प्राइस के बारे में। तो
तो यह बाइक जो अवेलेबल हो जाएगी आपको 1,08,000 से 1,10,000 के बीच में यह कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगी, होंडा SP 125। अब बात करेंगे होंडा SP 160 के प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो अंडर प्राइस निकल के आ रहा वाराणसी में, लगभग यह बाइक अवेलेबल हो जाएगी जो सिंगल डिस्क वेरियंट है 1,48,000 से 1,52,000 के बीच में यह बाइक अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा दोनों ही बाइकों का डिटेल कंपेरिजन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको फीचर्स से मिलता है, क्या क्या डिफरेंट मिलता है दोनों ही बाइकों में, जबकि एक 125cc की बाइक है और 160cc की एक बाइक है, क्योंकि दोनों बाइक सेम कंपनी से बिलोंग करती हैं। तो जैसा गाइस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि आपको होंडा SP 125 का जो लुक मिलता है, होंडा SP 160 का जो लुक है सेम वही मिलता है, इस वजह से मैंने इसमें कंपेयर किया है। बाकी इंजन से कंपेयर मैंने नहीं किया है क्योंकि आपको इसमें इंजन डिफरेंट मिलती है। सो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि होंडा SP 125 में और होंडा SP 160 में आपको क्या क्या फीचर्स सेम मिलता है, क्या क्या डिफरेंट मिलता है, इस वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। सो गाइस ये रहा होंडा SP 125 और होंडा SP 160 का डिटेल कंपेरिजन वीडियो। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये दोनों बाइक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें।